अंदर चलो। अब क्या करो? नीचे कर ले, नहीं पता चल जा सकता। आपको मालूम है लॉकडाउन में क्या करना होता है?
और लॉकडाउन का उल्लंघन क्या होता है? जुर्माना नहीं है, अरे FIR है, महामारी अधिनियम है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, धारा 144 लगी है। इन लोगों जरा खुलवाओ, अब दूध उड़ जाइए, दूध उड़ जाइए। बोलो सुनो भाई, आप लोग दूध उड़ जाइए, बोलो दूध गेट खोलो, बोला जी पी बोला बाहर क्या कर रहे हैं आप? बाहर क्या कर रहे हैं सर? मैं तो बाहर देखता हूं आप बाहर क्या कर रहे हैं सर? मैं दवाई लेने के लिए आ रहा हूं। दिखाओ पर्चा। हां हां हां, गाड़ी का पेपर है? नहीं मैं दवाई ले रहा हूं। गाड़ी का पेपर है? हां जी, गाड़ी के पेपर निकाल लिए। गाड़ी का पेपर है कि नहीं? मैंने कहा हेलमेट कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? मास्क आपको ये जानकारी है? मास्क के बिना उतरने का उसका बदान है? ठीक पूछ रहा हूँ मैं तो, बताइए तो। ठीक मकर रहा हूँ। आपको जानकारी है मास्क के बिना मुकदमे का प्रावधान है? अरे मेरी और देख लीजिए जी सर। मास्क के बिना मुकदमे का प्रावधान है आपको मालूम है? जी सर। फिर मास्क क्यों नहीं लगाया था आपने? आप घर के अंदर थे? आपको घर के अंदर से लेकर आया हूँ। कहाँ गए? ये ले लीजिए इनसे। ये थाने पर ले लीजिएगा। सुनिए, थाने पर आकर गाड़ी का चालान ले लीजिएगा। आज मास्क के लिए छोड़ रहा हूँ, कल से मुकदमा लिखेगा, समझ रहे हैं? आपको नहीं मालूम क्या चल रहा है देश में या जनपद में? क्या ये लापरवाही कर रहे हैं? इतने दिन बाद लॉकडाउन के लिए लापरवाही चल रही है आपके स्तर से? आपकी सहमति नहीं है? कितने लोगों की? रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी चलिए। 500 लोगों के आसपास। नहीं, यहाँ कितने लोग काम कर सकते हैं? आप कहाँ गए? दो अपना पास दिखाओ। तुम्हें दे रखा है ना सवाल? साथ में लिख के तो दिखाइए। तैयार करवा रहे हैं, तैयार करने वालों में से है तो कुछ कोई भी तैयार कर सकता है। आप बताइए आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये कितने बनाया आपके पास है ऐसा? तो फिर आप कैसे किस हैसियत से यहाँ काम कर रहे हैं? देखिए इनके पास है, आप बताइए भाई। कारीगर है जी। और ये क्या है? ये भी कारीगर है? सर इसको कारीगर बना दिया? कारीगर यहाँ देख। कहाँ रहते हो? उसका नोट करो, उससे मुकदमा होगा। ये बिना अधिकार के बिना पास से काम करो। चलो तुम कारीगर अंदर जाओ। आ जाओ तीनों लोग, आ जाओ, अंदर मत जाइएगा। अरे उनका मकान ये करो ना, लोग कितने मजे में है। मेरी सब्जी सब्जी तो तुम्हारे घर में बेच रही है। मास्क है आपका? अभी अभी तो आए। आप तीनों बैठे थे आपका, गप मार रहे थे मैंने देखा। नहीं मार रहे थे तो सब्जी वाले आ रहे थे। आपको मालूम है मुंह नाक ढक के रखना अनिवार्य है, तो लगाए क्यों नहीं आपने? तो बाहर आने पे तो लगाना है, घर पे नहीं लगाना है? आपने नाक मुझे लगा।
मास्क लगाइए, मतलब बिना मुकदमे के बिना जेल जाए आप नहीं सीखेंगे। वीडियो ना चला मैंने, ये तो भाग गए हैं पहले ही चला ले। अंदर बढ़ गया सारे आपको कैसे मालूम कि किसमें कोरोना है किसमें नहीं है? आपको तो होगा नहीं, ऐसा लग रहा है आपको? खुद का तो आप करेंगे ही, बाकियों का भी करेंगे नहीं? ये बैठ जाइए, बैठ जाइए। नाम होता है पिता का, बाप का नाम नहीं होता। मोबाइल किस पर बंद कर लो।
टिकटॉक वाला चल रहा टिकटॉक की जनरेशन है टिकटॉक बना रहे थे वो गाना भी मुझे मालूम है जो बज रहा था सर क्या रहे थे गॉसिप कर रहे थे गप्पे मार रहे थे तो क्या कर रहे थे देश दुनिया के बारे में चर्चा कर रहे थे हंस रहे यार बार बार हंस रहे हो लोगों की जान जा रही है इस वायरस से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मास्क क्यों नहीं लगाया घर से भी तो घर से खाना खाकर निकले थे बाहर तो मास्क नहीं लगाएंगे आपको मालूम है लॉकडाउन है लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन गैर कानूनी है ये मालूम है सर आज आप जो है बाइक पर सवार होकर सड़कों पर निकले हैं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले गली मोहल्ले जा रहे हैं गली मोहल्ले जा रहे हैं क्या मामला देखिए आप लोग भी अवगत हैं पूरे जनपद में लॉकडाउन है और यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव के मामले भी आ गए हैं ज़्यादातर लोग लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन भी कर रहे हैं लेकिन कुछ व्यक्ति अभी भी ऐसे हैं जो बाज़ार में अनावश्यक भीड़ लगा रहे हैं या अनावश्यक वाहनों पर चल रहे हैं बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर निकल रहे हैं मेरे द्वारा सुबह से ही निरंतर भ्रमण करके और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है कई ऐसे लोगों को हमने पकड़ा है जिन पर हम मुकदमा भी लिखवाएंगे कुछ लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं उन पे भी अभियोग पंजीकृत कराएंगे सुसंगत धाराओं में गलियों में कुछ लोग अनावश्यक घूमते मिले हैं और यहाँ की स्थानीय पुलिस को और अधिक सख्ती करने के लिए भी मैंने कहा है क्योंकि जो कुछ लोग हैं उनकी वजह से जो पूरा समाज अच्छा सहयोग कर रहा है और नियमों का पालन कर रहा है उस पर जो है पानी फिरने के आसार रहते हैं इसलिए सबसे लगातार अपील भी की जा रही है उन्हें समझाया भी जा रहा है कि मास्क लगा के निकले अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें तो कई गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और कई इस तरह के लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध FIR के भी आदेश दिए गए हैं कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया सर और कितने लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी लगभग अभी देखिए लगभग 15-20 लोग ऐसे मिले हैं जिनके डिटेल्स नोट किए गए हैं कुछ लोग को डिटेन किया गया है उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी मास्क भी आपने लिए हैं देखिए यहाँ पे अभी देखा गया कुछ लोग को होम डिलीवरी वगैरह के लिए इस तरह के पास दिए गए थे लेकिन उसका भी यहाँ पे दुरुपयोग देखने को मिला लोग उसको लगाकर अनावश्यक घर के बाहर खड़े हैं और घूम रहे हैं और पूछने पे कोई स्पष्ट कारण उनके पास नहीं है तो उनके खिलाफ भी हम इसमें नोटिस जारी करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे कि वो ऐसी चीज़ों का दुरुपयोग ना करें